हेलो जिमनास्टिक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय इनिशिएटिव जिसका नाम है इफ जिमनास्टिक्स। सो डेली रूटीन करते हुए हम लोग को नेक पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, तो हम लोग जो जिमनास्टिक्स के अंदर कुछ स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं जो मैं आपको आज इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको उस पेन से रिलीफ चाहिए, एकदम इंस्टेंट रिलीफ, तो इन वीडियोस को और इस पूरे पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग्स को ज़रूर देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सिर्फ आपको हफ्ते में 3 दिन करने हैं और आई एम गारंटीड कि उसका श्योर एंड शॉर्टली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा हाउ टू रिमूव बैक पेन एंड नेक पेन। पहला स्ट्रेच है हमारा ट्रेपेजियस मसल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें क्या करना है, आपको बॉक्स आपके नी लेवल की हाइट पे होगा और आपको राइट हैंड कमर के पिछले साइड में रखना है और दूसरे हाथ से अपने सर को पकड़ना है कुछ इस तरीके से, एंड देन आपको स्ट्रेच करना है नेक को ऑपोजिट साइड में। कोशिश करें कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, शोल्डर स्ट्रेट रहे। इस स्ट्रेच को करते वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, फिर सेम स्ट्रेच आपको ऑपोजिट साइड में करना है। इससे जो भी आपका टेंशन है शोल्डर्स में वो रिलीज होगा। और इस स्ट्रेच के दौरान ध्यान रखें कि आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहे और फिर वापस अगेन बैक टू नॉर्मल। स्ट्रेच टू, ये भी सेम मसल्स का स्ट्रेच है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सेम आपको उसी बॉक्स पे बैठना है जो आपकी नी लेवल की हाइट पे हो, बैक को स्ट्रेट रखना है, एक हाथ कमर के पीछे रहेगा, दूसरा हाथ आपके ऑपोजिट आईज के आईब्रोज के ऊपर से बैक ऑफ द हेड को टच करेगा। आपको अपने हेड को डायगनल डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है जहाँ आपका नीज रखा हुआ है। इस स्ट्रेच से आपको नेक के पीछे और बैक में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को मिनिमम 10 सेकेंड्स होल्ड करें विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। तीसरा स्ट्रेच है नर्व फ्लॉसिंग। ये टेक्निकल है, इसको आप भले ही पॉज करके देखिएगा। सेम आपको बॉक्स हाइट आपका नी लेवल रहेगा, उस पर बैठ करके एक पैर उठाना है और टोज और नेक का कोऑर्डिनेशन बनाते हुए एक बार उसे स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ और एक बार उसे फ्लेक्स करना है पीछे की तरफ। तो नेक और टो का ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड वे है ऑफ स्ट्रेचिंग योर नर्व जो आपके नेक से टो तक जाता है। सेम अब आपको फ्रंट व्यू दिखाते हैं। इसमें आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, शोल्डर नॉर्मल रहेंगे और कोशिश करें कि पैरों के बीच में थोड़ा गैप हो, और जब आप नेक और टो को फ्लेक्स करेंगे तो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएगा आपको ऑल थ्रू आउट। कुछ वेरिएशन के लिए आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि पहले आप टो करें एंड देन नेक, ये भी आपको अच्छे सेंसेशन देगा। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ पार्ट पे। तो पहली एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स। इसमें आप डंबल्स ले सकते हैं, चाहे तो आप वाटर बॉटल भी ले सकते हैं 1-1 लीटर्स की। आपको इस तरीके से साइड में होल्ड करना है, बैक और नेक को न्यूट्रल रखते हुए स्लोली पुल अप करना है एंड देन पुल डाउन करना है। आप मसल्स की एक्टिविटी देख सकते हैं कि कितना मूवमेंट होता है। ये धीरे धीरे आपके उन पार्ट्स को स्ट्रेंथन करेगी जो डेली बेसिस पे काम आती है। हमारी दूसरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है प्रोन वाई अप एंड डाउन। इसमें क्या करना है, आपको अपने बेड के कॉर्नर पर लेट जाना है चेस्ट के बल, और कोशिश करनी है आपके दोनों हाथ आगे की तरफ लटके हुए हों और अंगूठे ऊपर साइड में हो। जिसमें आपका स्टेप वन ये रहेगा कि आपको अपने अंगूठों को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है अपनी बाकी बॉडी को सीधा रखते हुए। ये एक्सरसाइज आपको मिनिमम 12 टाइम रिपीट करनी है, 2 सेट। इसमें कोशिश करें कि आपके हाथ सीधे रहें, जितना आप उठा पा रहे हैं उतनी ही कोशिश करें, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ जाएगा और ये उन मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा जो आपकी बैक को और शोल्डर को अपने पोजीशन में रखने में हेल्प करती हैं, और धीरे धीरे आपका पेन भी रिड्यूस होने लगेगा। आइए चलते हैं हमारी लास्ट ड्रिल पे, रीएडजस्टमेंट। जब आप ये सारी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर लें तो कोशिश करें कि आपका जो ये बो शेप है इसे हम करेक्ट करें। अपने नेक को अपनी न्यूट्रल पोजीशन में एडजस्ट करना हमें खुद पड़ेगा। ज़्यादातर रेगुलर एक्सरसाइजेज और
डेली रूटीन करते करते हमारा बॉडी के अंदर बो शेप बन जाता है, तो इसलिए हमें अपने नेक को वापस रीएडजस्ट करना होगा और शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना होगा। तो ये डेली आप जब 10 to 12 times परफॉर्म करेंगे तो आपको खुद अपने पॉस्चर में काफ़ी करेक्शन महसूस होगा और आपको जो रेगुलर शोल्डर और बैक पेन रहता है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगर आपको हमारी ये ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वेट करें हमारे न्यू वीडियोज़ के लिए। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ जिमनास्ट थिंग्स।